नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। रेडियो क्रिकेट में ये बात बड़ी खास और बड़ी दिलचस्प। हार्दिक पांड्या ने पकड़ा हैरत अंगेज कैच, जबरदस्त कैच पकड़ा। रोहित और विराट सब लोग हो गए हैरान। रायपुर में खेले जा रहे पहले वनडे में पहला वनडे जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जा रहा था, हार्दिक पांड्या ने तो कमाल कर दिया अपने पहले ओवर में। और चौथी गेंद पर, चौथी बॉल पर लपका एक जबरदस्त बेजोड़ कैच सोशल मीडिया पर लगातार जोरदार तरीके से वायरल हो रहा है। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच रायपुर में 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए भारत ने शानदार शुरुआत की। सिर्फ 15 रन देकर 5 विकेट ले लिए भारत ने। कीवियों पर दबदबा बनाया। मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, शार्दुल और हार्दिक पांड्या कीवी टीम पर कहर बनकर बरसे। इस बीच हार्दिक पांड्या ने एक शानदार कैच लपका जिससे कीवी टीम की, न्यूजीलैंड टीम की कमर तोड़ डाली। हार्दिक पांड्या ने पकड़ा हैरतअंगेज कैच। हार्दिक पांड्या सोशल मीडिया पर आजकल छाए हुए हैं। इसका कारण यह है कि उनका वो बेजोड़ कैच जो इस मैदान में लोगों को देखने को मिला, कमाल का था। दरअसल पांड्या ने कीवी सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे को गेंद फेंकी। उन्होंने बॉलिंग की, कीवी सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे को उन्होंने गेंद को, इस बॉल को जो फेंकी थी उनको, उस बॉल को उन्होंने वापस ड्राइव करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय ऑलराउंडर ने शानदार डाई मारी और एक हाथ से शानदार कैच लपक लिया। डाई मारकर लपका, अपनी बॉल पर लपका और एक हाथ से लपका कैच जबरदस्त। कुछ ही सेकंड के भीतर ये कमाल हो गया। तेज बॉल गई, तेजी से शॉट मारा और तेजी से उछलकर तुरंत कैच भी ले लिया। कमाल हो गया, लोग तो समझ भी नहीं पाए कि ये क्या हुआ। हैरान कर दिया इस कैच ने सबको। टीम इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं पांड्या, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या का यह कैच इसलिए भी विशेष है क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी है जिनके लिए इस तरह के कैच लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पिछले साल उनके लिए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा पिछला साल, जिसका सबसे बड़ा कारण है उनकी फिटनेस जो उनको बहुत परेशान कर रही है। मगर इस कैच को देखने के बाद लगता है कि पांड्या एक बार फिर से अपनी पुरानी लय ताल में वापस आ गए हैं। मैच का एक और वीडियो हो रहा है वायरल। न्यूजीलैंड के खिलाफ रायपुर वनडे मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के साथ एक फनी वाकया हुआ, मज़ेदार सा। न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भूल गए कि वो क्या करना चाहते हैं। बीसीसीआई ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें रोहित शर्मा को टॉस जीतने के बाद बताना था कि वो क्या फैसला करेंगे, लेकिन कप्तान साहब चुप रह गए, चुप ही थे। वो समझ ही नहीं आया भाई ये वाकया क्या था। वाकया बहुत फनी था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जबरदस्त तरीके से। फैंस तरह तरह के मीम से शेयर कर रहे हैं। दरअसल टॉस जीतने के बाद रोहित शर्मा कुछ पलों के लिए भूल ही गए कि उनको क्या फैसला करना है। सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा को लेकर तरह तरह के मीम्स शेयर किए जा रहे हैं। मज़ेदार खबर है, पहले वाली भी और ये वाली भी ज़बरदस्त। ऐसी ही दूसरी कोई खबर लेकर रेडियो क्रिकेट में हम फिर आपके सामने आ जाएंगे। तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम।